ग्लोबल वार्मिंग के इतिहास पर निबंध प्रस्तावना इन हानिकारक गैसों की मात्रा में वृद्धि के लिए बढ़ती आबादी शहरीकरण प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग और कारखानों की बढ़ती संख्या सहित विभिन्न अन्य कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग इतिहास लगभग एक शताब्दी पहले शोधकर्ताओं द्वारा कार्बन का उत्सर्जन के कारण पृथ्वी के सतह के बढ़ते तापमान को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी। कार्बन और दूसरे हानिकारक गैसों के बढ़ते स्तर के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हुई है। वैज्ञानिकों द्वारा 20वीं सदी के मध्य से ही इस विषय को लेकर शोध और जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इन शोधों से पता चला है कि पिछले एक शताब्दी में पृथ्वी का तापमान बहुत ही खतरनाक रूप से बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव
ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे वायुमंडल में भीषण रूप से परिवर्तन हुआ है। यहां ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा होने वाले कुछ प्रभावों के विषय में बताया गया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। जिसके कारण महासागरों और समुद्रों में जल का स्तर बढ़ने लगा है। और समुद्रों का यह बढ़ता जल स्तर तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक संकट बनता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का वर्षा के क्रम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिससे कई सारे क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं कुछ क्षेत्रों में भीषण वर्षा जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। इसी के कारण से ताप के लहर की तेजी काफी बढ़ गई है। जिसके कारण कई सारी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं। जैसे कि लू लगना और सर दर्द आदि। इसके अलावा वायुमंडल में उत्सर्जित होने वाली
हानिकारक गैसों का महासागरों द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। जिसके कारण महासागर अम्लीय होते जा रहे हैं। जिसके कारण समुद्री जीवन पर भी संकट आ गया है। कई सारे जीव जंतु और पशु पक्षी ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न हुई जलवायु परिवर्तन की समस्या का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जिसके कारण कई सारी प्रजातियां या तो विलुप्त हो चुकी हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पर हैं। ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं। इसी के कारण लोगों में फेफड़ों का संक्रमण चक्कर आना के साथ ही और कई सारी गंभीर बीमारियां उत्पन्न हुई हैं। निष्कर्ष, इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक चिंता का कारण बन गई है। यह वह समय है जब हमें इस समस्या को गंभीरता से लेना होगा। और इसके समाधान के लिए साथ मिलकर प्रयास करना होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अपने सुझाव फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बता दीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज के अपलोड्स आपको पता चलती रहें। बाय बाय।